बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, बट आप एनबीसी की क्लास में हो तो एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा एंड मजा आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट अभी बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी। आप इसको सिंपलीफाई करो, टॉटोलॉजी आ रही कि नहीं देखो। दूसरे वाले को सिंपलीफाई करो, टॉटोलॉजी आ रही कि नहीं देखो। तीसरे वाले को सिंपलीफाई करो, आ रही कि नहीं देखो। चौथे वाले को सिंपलीफाई करो, टॉटोलॉजी आ रही कि नहीं देखो। तो चार अलग अलग ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो पहले ऑप्शन टॉटोलॉजी आ जाता है, तो आप टिक कर देते हो, आगे बढ़ते हो। बट फिर भी आपको श्योर तो नहीं होते हो ना, क्योंकि आपने बाकी तीन ऑप्शन कैलकुलेट नहीं करे, क्या पता वो भी टॉटोलॉजी आ जाए, है ना। तो हो सकता है आपका पहला वाला कैलकुलेशन गलत हो। तो श्योर होने के लिए और कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट बताना चाहूंगा। शॉर्टकट बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, बट एक इंट्यूशन है, एक कैलकुलेटेड तुक्का। कैलकुलेटेड तुक्का, ये तुक्का तो नहीं है, आंसर आपका श्योर ही होगा, बट एक बेसिकली क्या बोलते हैं, अनुमान है, अनुमान है। ठीक है, अनुमान या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट आंसर विल बी ऑलवेज मोर। ठीक है, तो देखो आंसर आप फॉर श्योर आपका सही आएगा। तो हमेशा ना टॉटोलॉजी जब भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी, तो 99% आपका वही वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, जिसमें लास्ट में ऐसा होता है इंप्लाइज समथिंग, है ना। इंप्लाइज और यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट होगा, जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में इंप्लाइज दिया ना, इंप्लाइज बी, यहाँ पर लिखा इंप्लाइज बी, तो इंप्लाइज सम स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख लो, इंप्लाइज पी या इंप्लाइज एस, है ना। ऐसे जो भी ऑप्शन होता है ना, इंप्लाइज बी या इंप्लाइज ए, तो लास्ट में जहाँ पर इंप्लाइज समथिंग होता है ना, उस ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप सबसे पहले उसी ऑप्शन को सॉल्व करो, ये टिप है, मतलब एक शॉर्टकट नहीं, आप समझ लो एनबीसी की तरफ से टिप है। तो अगर आपको अल्टीमेटली चारों सॉल्व करनी है, अभी तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सा टॉटोलॉजी आएगा। मेरी मानो तो आप पहले वो वाला ऑप्शन कैलकुलेट करो जिसमें इंप्लाइज समथिंग है लास्ट में, एंड में। देखो बाकी ऑप्शन नहीं है, इसमें इंप्लाइज और ये बहुत बड़ा है, इसमें है इंप्लाइज एक छोटा सा वैल्यू। तो ये जब इंप्लाइज आता है ना, तो इसमें हमेशा टॉटोलॉजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, प्रॉबिलिटी वेरी हाई। क्यों? 99% प्रॉबिलिटी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी टी टू एफ होगा तभी एफ आएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू ही तो आएगा, है ना। तो मतलब तीन केस ऐसे है जहाँ पे टी 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 आ रहा है, और केवल एक ही केस ऐसा है जहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ गई ना, 75% आपको टी मिल रहा है। अगर टी टू एफ बनेगा तभी एफ आएगा, और वो रेयरली बनता है, टी टू एफ बहुत रेयरली बनता है। तो इन शॉर्ट मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप हमेशा अगर ऑप्शन चेकिंग ही आपको करनी है, ठीक है, अल्टीमेटली ऑप्शन चेकिंग करनी है, आप हमेशा पहले वो वाला ऑप्शन चेक कर लेना जिसमें इंप्लाइज समथिंग होगा, जनरली वही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, यस, तो ये अपना शॉर्टकट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन आप सबसे पहले चेक करो, और वही आ रहा होगा। इसमें तो मतलब अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो ना, तो इस क्वेश्चन में ए और सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसको आप मतलब क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हो। ये और ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? दो ऑप्शन तो वैसे ही बेकार वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन बेकार है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन, ये आप ऐसे समझो ना, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये लिखा हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वेन डायग्राम पे इमेजिन करो आप, ए यूनियन बी मतलब ए और बी पूरा, उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो क्या आएगा? तो ए तो आएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली ए आ जाएगा। और ए का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, तो क्या टॉटोलॉजी होगा? क्या ये हमेशा ट्रू होगा? अगर आपने इसको सिंपलीफाई किया तो ए आ गया, और ए इज अ स्टेटमेंट, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मतलब ये तो बेकार ऑप्शन। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और अगेन उसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि बीच में एंड है। अगर एंड है तो उसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, तो दो ऑप्शन तो वैसे बेकार है। बस आपको बी और डी चेक करना है, तो बी और डी में ये वाला जो चीज है वो तो सेम ही है, इधर देखो और इधर देखो, है ना। बस यहां पे है कि अगर आप इसको एक्स बोल दोगे, एक्स इंप्लाइज बी, और इधर बी इंप्लाइज एक्स, पहले एक्स निकाल लो, फिर देख लेंगे बी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ये यहाँ पे करते हैं ए इंटरसेक्शन ए इंप्लाइज बी। ठीक है, पहले आप इसको निकाल लो, तो बेसिकली यहाँ पे लिखो आप ए, यहाँ पे लिखो आप बी, फिर आप लिखो ए इंप्लाइज बी, और फिर आप लिखो ए इंटरसेक्शन ए इंप्लाइज बी। ठीक है, तो तब इसका वैल्यू आएगा, निकालना जरा एक एक करके। यहाँ पे चार केस पॉसिबल है, टी 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 एफ, एफ टी और एफ एफ। ठीक है, ए इंप्लाइज बी में टी टू एफ विल बी एफ, बाकी सब ट्रू है। यहाँ पे क्या लेना है, इसका और इसका आपको एंड लेना है, तो टी से टी में टी आएगा। ठीक है, इधर टी से टी नहीं है, टी से टी नहीं है, तो बस बाकी सब फॉल्स है। ठीक है, बाकी सब फॉल्स हो गया। अब बस ये आपका बेसिकली ये स्टेटमेंट आ गया, एक्स, तो एक्स इंप्लाइज बी करोगे तब आंसर आएगा टोटोलॉजी, या फिर उल्टा करोगे तब। एक बार निकाल के देखो, एक्स इंप्लाइज बी निकालो और बी इंप्लाइज एक्स निकालो, दोनों निकाल के देखो। ये एक्स इंप्लाइज बी वाला जो है वो आपका ऑप्शन डी है, और ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो चेक करोगे डी वाला ऑप्शन है आंसर, कि बी वाला ऑप्शन आंसर, तो एक बार निकालते हैं एक्स इंप्लाइज बी। ओके, तो यहाँ से आपको इधर जाना है। ओके, तो टी टू एफ नहीं है, टी टू एफ नहीं है, टी टू एफ नहीं है, और टी टू एफ यहाँ पे भी नहीं है, तो कहीं पर नहीं आएगा, सारे टू आएंगे, तो बस यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। और यहाँ पे अगर देखोगे तो बी टू एक्स, बी टू एक्स मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, उल्टा मतलब यू नीड टू गो फ्रॉम बी टू एक्स, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाओगे तो टी टू एफ नहीं है, टी टू एफ नहीं है, टी टू एफ है, इधर आ गया टी टू एफ, वहाँ पर एफ आ जाएगा। अगर एफ आ गया तो बस ये फिर टोटोलॉजी तो नहीं है, सारे टू नहीं है ना, उनका सारे टू नहीं है, समझ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तुक्का मार सकते हैं, तुक्का तो नहीं, मतलब थोड़ा कैलकुलेट, एक आधा ऑप्शन तो सॉल्व कर लेना कम से कम, मैंने आपके तीन ऑप्शन रिजेक्ट करवा दिए, एक जरा सा मतलब है ना ये बता के। तो हमेशा मतलब यही वाला होता है, हमेशा नहीं मतलब चांसेस आर मोर, भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैथमेटिक्स के टीचर है, आपको तुक्का मारना सिखाएंगे नहीं, बट आपको ये सिखाएंगे कि किस पे बाजी लगाओगे तो ज्यादा चांसेस आपके जीतने के, तो थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो आंसर डी आएगा, बट हाँ, इसके ऊपर अगर बाजी लगाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप जीत जाओगे, तो टाइम बचा सकते हो, फालतू में